मेरा बाइक को रैप नहीं कराना है, एक्चुअली इस कावासाकी को रैप कराने आया हम लोग। ऑलराइट विकियंस, सो आई नो कि पिछले 4-5 दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि आपका भाई जो है वो है डिप्रेशन में, समझ रहे हो, मतलब कि हल्का फुल्का डिप्रेशन का भी हो जाता है, तो वही कुछ सीन है। एंड अभी हम लोग आए फिलहाल ऑटो रैप्स में, वो क्यों आए थोड़ी देर में बताते हैं, उससे पहले गिव अवे का रिजल्ट दे देते हैं। 57K वाला विनर है वो मैंने ऑलरेडी चूज कर चुका हूँ, ये देखो यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन नियन दास, आपको मिलता है हैंडल बार राइड। और अभी जो है 58K सब्सक्राइबर हो भी चुके हैं, तो जल्द से जल्द 60K करना है। एंड 58K का जो गिव अवे का विनर है वो आपको मैं अगले ब्लॉग में बता दूंगा, और उसके लिए आपको इधर में कमेंट करना है। तो 58K का जो गिव अवे का जो प्रोडक्ट है वो है स्पीकर, तो जिसको चाहिए जल्द से जल्द इस वीडियो में कमेंट करो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। सो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी ब्लॉग्स भाई वे। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे 3 लोग आए हैं, हमारे अंकल जी। कल मैंने एक ब्लॉग शूट किया था, हम लोग कहाँ पे गए थे, सोलो का गए थे। वो ब्लॉग जो है वो कल आएगा, समझ रहे हो, तो इसके कारण हमने मतलब बहुत चिढ़ाया हमारे अंकल जी को, तो कल से जो हमारे ब्लॉग में आने के लिए शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं अंकल जी, शर्म नहीं करेगा क्या। और यहाँ पे रोहन है, हम लोग 3 एक्चुअली आए हैं यहाँ पे, मेरा बाइक को रैप नहीं कराना है, एक्चुअली इस कावासाकी को रैप कराने आए हम लोग, समझ रहे हो, मतलब कि मैं बाइक को रैप कराना चाह रहा हूँ, मेरा एक बार रैप नहीं हो रहा, और ये भाई जी मतलब रिसेंटली रैप किया था, कितना माह हो गया, एक माह, मतलब समझ रहे हो, एक मंथ हो चुका है, और एक मंथ में फिर से जो है इसका लुक नया कुछ चेंज होने वाला है, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा नया लुक। क्या कहते हो, कैसा फीलिंग आ रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, मतलब कि इसका जो पहले वाला जो लुक था ना वैसा लुक देना चाहता है फिर से, मतलब मेन सीन क्या होना गाइस, ये है पूरा ग्रीन कर दिया, तो एक्चुअली हमारे मामा जी से डर रहे हैं हमारा लौंडा जो है वो मामा जी से डर रहे हैं, एक्चुअली मामा जी अगर देख लिया तो भाई ये बाइक तो भाई ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर तो कभी था नहीं, तो इसके कारण अगर मतलब क्या है ना कि पुलिस चेकिंग करते हैं, वैसे तो मामा जी चेकिंग करते तो इतना वो प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है MBI का, MBI अगर पकड़ लिया ना तो भाई अगर उसको डाउट हो गया तो वो कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट रास्ते में फाड़ देगा आपका रैप से, समझ रहे हो, तो इसके कारण ये तो भाई बेस्ट लग रहा था एकदम, मतलब बेस्ट हुआ बेस्ट, सब लोग मतलब इसको दूर से देखते ही कावासाकी का कुछ तो बाइक होगा ऐसा कुछ था, बट क्या करें अब देखते हैं, अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सिनेमेटिक लेंगे अच्छे से, अच्छा अच्छा सा, एंड उसके बाद पार्टी मिलेगा। हम हमेशा कुछ भी करते हैं ना रोहन या फिर ये, या हम तो पार्टी देने से रहे, तो इन लोग से पार्टी ले लेके हम ये अंकल यहाँ से, रोहन यहाँ से, यहाँ रैपिंग और काम से ले से। तुम्हारा नाम की बेटी आकाश? अच्छा आकाश में रहते हो क्या? पृथ्वी में रहते हैं पर नाम है आकाश। तो इसमें अभी ये है पीछे का पैनल है, राइट जी। तो ये अभी पीछे का पैनल है, यहाँ पे हम अभी कौन सा वाला पेपर लगाने वाले हैं भाई साहब? ग्रे कलर का। ये ऑलरेडी ग्रे है, फिर से ग्रे? नहीं, दूसरा कलर है। अच्छा वो ग्लोसी ग्रे है क्या? ये वाला मैट फिनिश टाइप का ग्रे लगने वाला है, ये एक्चुअली मैट फिनिश ग्रे है, और ये भी मैट फिनिश है बट थोड़ा कलर डार्क कलर, उसका कलर में थोड़ा वो है, ये शाइनिंग वाला है वो थोड़ा वो है डार्क है ना, बस वही डिफरेंस है। और हाँ ये वाला हटा लिया है, और देखो यहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ काम करते हुए दोबारा दिखाई दिया है बार, ये नंबर प्लेट में रविंद्र यहाँ लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, और इसने क्या कर रहा है, वो version 3 का वो स्टिकर लगा रहा है इसमें। वाह लड़का वाह, गुड, वेरी गुड, यही होता है अंकल होने का फायदा। यहाँ पे मुझे एक नंबर प्लेट दिख रहा है गाइस, ये वाला जो नंबर प्लेट है ना मुझे अपने बाइक पे लगाना है, मतलब कि इस वाला जो नंबर प्लेट है ना इसमें कुछ अलग लुक आता है पीछे से, क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, और इसमें नाम भी लिखा है तो हम विशाल लिखा है, तो इसमें हम डी ब्लॉग लिख देंगे, अपना चैनल का प्रमोशन भी हो जाएगा, तो यही कुछ सोच रहे हैं, और ये अच्छा रहेगा, मतलब कि MBI पकड़ने से तो प्रॉब्लम होगा, बट मेन खेल क्या है ना सब MBI का है, वैसे तो लोकल वाला मामा जी का प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस तो यहाँ पे काम चालू है, और मतलब हम यहाँ पे रुक रहे हैं, क्या ही बताए, इतने देर से रुक रहे ना, मुझे पूरा ऐसा गंदा वाला नींद और आलसी लग चुका है, और मेरा खोपड़ा हालत देखो भाई, खोपड़ा चूल, मतलब इतना अनग्रूम्ड हो चुका हूँ, तो कुछ दिन में जाके ग्रूम्ड होना पड़ेगा भाई। रैपिंग का काम यहाँ पे चालू हो रहा है, ये सब देखो भाई, सब ये फेयरिंग वगैरह तो रैप हो चुका है, अब बस पीछे का फेयरिंग वगैरह बचा हुआ है, जैसे कि ये पोटी तो दिखाना ही दे तुम्हारा, भय ना खबर, ये एक्चुअली ये फेयरिंग यहाँ पे रखा था, तो ये डर रहा था कि मैं इसका बम में ना वो करे बोल के, कोई बात नहीं, ये फेयरिंग अभी मारना बाकी है, उसके बाद में बस डर।
ओके विकियन, सो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। सो अभी जो है 4:37 हो चुका है और 5 बजे जो है हमारे गुवाहाटी पे लग जाता है कर्फ्यू। मतलब कि अभी भी यहाँ पे जो है गुवाहाटी पे लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है एंड ऑल्सो बाइक जो है पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। क्या ही बताया मैंने, बहुत ही लास्ट मोमेंट वाला काम हो रहा है कि नहीं? तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको रोहन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो बोलता है हाँ जो भी बोला बोला और बोल के कह रहा है। तो बाइक का यही कुछ सिंपल डिज़ाइन कर दिया भाई ने, क्योंकि मामा जी से डरते हुए। अब देखो मामा जी से तो डरना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आपका वक्त ख़राब चलता है ना तो चारों ओर से आपका लेता है। आज का भाई आज का दिन तो फुल यहीं पे चला गया मैन, जस्ट घर से निकला और यही करने में सारा टाइम बर्बाद। चलो मेरे भाई और बहनों, नहीं तो आज मामा जी बैंड बजाएंगे। अभी घर जा रहे हैं, नहीं तो मामा जी बैंड बजा देंगे। और वीकेंड, सो फाइनली 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 जो है बाइक का रैपिंग का कार्यक्रम हो चुका समाप्त और इसका जो अच्छे से लुक ना मैं आपको अगले ब्लॉग में दूंगा। एक्चुअली क्या हो गया, आज हम लोग का टाइम बहुत ही कम था, हम लोग आए 2 बजे, तो 2 बजे आने के बाद मतलब इतना ही काम हुआ, सिर्फ ये वाला पार्ट को रैप कराया और ये फेयरिंग को, स्टिकरिंग वगैरह बचा है तो फुल्ली अभी तक रैप नहीं हुआ है। तो वही कुछ सीन है और ये अपना बीच देखो भाई, ये जब ब्लू लाइट जलता है कितना सेक्सी लगता है यार। एंड मुझे पता है कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं भाई कि आप अपने बाइक पर रैप कब कराओगे। पता नहीं गाइस, मैं कुछ डिस्कशन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि क्या ही बताया, जैसा मैं सोचता हूँ। और हमारे जो पुराना साथिया जो थे जो कोरोना के कारण सब घर चले गए थे, उन लोग भी सब वापस आ चुके हैं, तो उन लोगों से भी मिलना जाना था, साहिल विशाल लोगों से, उन लोग फ़ोन करके बोल रहे थे बट जा नहीं पाए मैन। चलो भाई, आपका भाई पहुंच चुका है लोखरा चाराली, अब यहाँ से लेना है लेफ्ट और घर की ओर। सो फाइनली 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 घर की ओर मैन। अब यहाँ पर हाईवे पर कोई डर नहीं है मैन, अब फाल फाल के जाएंगे, यही कुछ सीन है हाईवे का मैन। तो अब सीधा एक काम करते गए, चलते हैं सीधा घर और घर जाके मिलते हैं भाई, क्योंकि अभी देखो मामा जी से बचना है ना तो घर जाके ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम क्या होता है कि, और जब भी आप ब्लॉग करते हो ना गाइस तो हमेशा याद रखना कि बाइक को स्लो चला के बात कर लिया करो। जब आप मोटर ब्लॉगिंग करते हो ना तो 30, 40, 50 के स्पीड में रखना चाहिए। मैं 67 में भी रख के करूँगा ना तो वॉइस जो है बहुत ही मतलब विंडी आएगा, समझ रहे हो? तो इसके कारण मैं रफ्तार में अगर मैं चलाऊँगा तो चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ। सो यहाँ मिलते हैं घर पे मैन। सोया मिलते हैं मतलब घर में, क्या घर में जाके भी कौन सा ना क्या करना है। तो आज का वही कुछ सीन था गाइस, मेरा 2-3 प्लान था बट देन रोहन ने कहा है कि वो अपना बाइक का रैप चेंज कराना चाहता है, क्योंकि एमबीआई चेकिंग में अगर फंस गया ना कभी तो बहुत ही पंगा होगा, तो इसके कारण। सो यही कुछ सीन था आज के ब्लॉग का, मतलब कि रोहन ने अपना बाइक का कावासाकी से नॉर्मल बाइक में बना दिया है उसने। सो या आज के ब्लॉग में इतना रखते गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का एंड कमेंट करने का। एंड या जी, जिसको स्पीकर जीतना है इस ब्लॉग में कमेंट करो, नेक्स्ट आने वाले 2 ब्लॉग में रिजल्ट का अनाउंसमेंट मिल जाएगा। एंड ऑल्सो बहुत जल्द 60K होने वाला है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एंड या बाय बाय, सी यू ना नेक्स्ट ब्लॉग, बेई वे जानमोनी, सॉरी। okay,